नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको क्रिकेट से जुड़ी रोजाना खबरें देते रहे। दोस्तों हाल ही में हमने आपको आरसीबी की प्लेइंग 11 की वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि आरसीबी की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है आईपीएल 2019 के लिए। वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो आरसीबी की प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो तो एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों आईपीएल से पहले ही आरसीबी को एक झटका भी लग चुका है। दोस्तों आरसीबी टीम के दो महत्वपूर्ण खिलाड़ी मार्कस स्टोनिस और नेथन कोल्टर नाइल शुरुआती कुछ मैचों के लिए टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, यानी वो आरसीबी के लिए स्टार्टिंग के मैचेस नहीं खेल सकेंगे। दोस्तों ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि स्टोइनिस और कोल्टर नाइल को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच चालू हो रहे सीरीज में खेलना होगा जो कि 22 मार्च से शुरू हो जाएगी, और इसी के चलते स्टोइनिस और नेथन कोल्टर नाइल आरसीबी के लिए पहले कुछ मैचेस में नहीं खेल पाएंगे। दोस्तों ये आरसीबी के लिए काफी बड़ा खतरा भी हो सकता है क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही खिलाड़ी अपने आप में काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। जहां स्टोनिस एक बेहतरीन ऑलराउंडर है तो वहीं कोल्टर नाइल एक अच्छे गेंदबाज है और जरूरत पड़ने पर वो ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ सीरीज खत्म होने के बाद ही आरसीबी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों ये थी हमारी आरसीबी टीम से जुड़ी एक छोटी सी अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।